अब देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये है y dx और इस टर्म को अगर हम यहां ले जाएंगे तो ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस x dy। ठीक, अब दोस्तों इसे हम लिख सकते हैं y dx अपॉन dy और ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस x। ठीक, अब दोस्तों y को अगर इसमें डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा dx अपॉन dy इज इक्वल टू और ये हो जाएगा y माइनस x अपॉन y। ठीक, अब हम क्या करेंगे, x अपॉन y हम दूसरी साइड में ले जाएंगे तो dx अपॉन dy प्लस x अपॉन y इज इक्वल टू y। अब क्या करेंगे, नाउ कंपेयरिंग विद इक्वेशन dx अपॉन dy प्लस px इज इक्वल टू q, तो दोस्तों इसका जो जनरल सॉल्यूशन होता है, जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, पहले तो हम उसे कैलकुलेट करेंगे, तो if हमारा हो जाएगा e टू द पावर इंटीग्रल p dy। ठीक, और इसका जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो x इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रल q आई एफ dy प्लस कॉन्स्टेंट। अब देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, ये जो आई एफ हो जाएगा हमारा यहां से, तो पहले तो हम इसको कंपैरिजन से P और Q की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू दोस्तों हमारा हो जाएगा 1 अपॉन y हो जाएगा और Q इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू हो जाएगा y हो जाएगा। अब दोस्तों इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ हम कैलकुलेट करेंगे, तो आई एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, e टू द पावर इंटीग्रल p dy। ठीक, तो आई एफ इज इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रल 1 अपॉन y dy और ये हो जाएगा आई एफ इज इक्वल टू e टू द पावर log y। ठीक, तो यहां से आई एफ हमारा सीधा सीधा हमको क्या मिल जाएगा, y मिल जाएगा दोस्तों, ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ चुका है। अब दोस्तों इसका जो जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा वो हो जाएगा x इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रल q आई एफ dy प्लस कॉन्स्टेंट। तो x इंटू और आई एफ की वैल्यू दोस्तों क्या है, y इंटीग्रल और Q की वैल्यू भी दोस्तों यहां पर क्या है, Q की वैल्यू है हमारी Y, तो Y इंटू और ये हो जाएगा Y dy प्लस C। ठीक, तो ये हो जाएगा XY इज इक्वल टू और ये Y स्क्वायर हो जाएगा, तो Y स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा Y क्यूब बाई 3 प्लस C। तो यहां से हम क्या करेंगे दोस्तों, Y को पूरे हम डिवाइड कर देंगे तो X इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा Y स्क्वायर बाई 3 प्लस C अपॉन y। ये दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा जनरल सॉल्यूशन।